समुद्री संग्रहालय बनाया गया विशाखापट्टनम में देश का। अच्छा, एक एक बनाया गया लोथल में म्यूजियम, क्या बनाया हुआ लोथल में? नेविगेशन का, समुद्री हमारा परिवहन कैसा रहा, समुद्री परिवहन, उसमें गोदीबाड़ा है, ट्रांसपोर्ट है, जहाज कैसे बने भारत में, कुल मिलाकर समुद्री परिवहन की कहानी है पूरी। वो तो लोथल ही कहानी समुद्री परिवहन की कहानी है, वो भी समुद्री म्यूजियम, मैरीन म्यूजियम बोलते हैं उसको भी हम लोग, मैरीन नेविगेशन म्यूजियम या समुद्री परिवहन म्यूजियम। ये समुद्री म्यूजियम, ठीक है। यहाँ पर समुद्र में जो जीव मिलते हैं, शैवाल मिलते हैं, अगर वहाँ पर कोई किसी प्रकार का मान लो कोई आपको मछलियां मिलती हैं, तो समुद्र के जो उत्पाद हैं उनका म्यूजियम है, वो समुद्री परिवहन का म्यूजियम है लोथल अपना, देश का पहला, और विशाखापट्टनम में देश का पहला समुद्री म्यूजियम है, समुद्री संग्रहालय है, जो बेसिकली जुड़ा है किसके साथ, मत्स्य पालन के साथ, कौन कौन से वीड मिलते हैं, कौन कौन जलीय कृषि हो सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सब मिलेगा आपको इस संग्रहालय में।